नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को राज्य के सीमावर्ती जिले पुंछ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बता दें आपको कि उन्होंने यहां तक कहा है कि बीजेपी का मकसद देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का नहीं बल्कि भाजपा राष्ट्र बनाने का है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी भारत को बीजेपी राष्ट्र बनाने के लिए विपक्षी दलों पर कथित हमले कर रही है और जिस पर उनकी पार्टी यानी कि पीडीपी चुप नहीं बैठेगी। और महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि वे यानी कि बीजेपी भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन उनकी नीतियों का उद्देश्य इसी एक बीजेपी राष्ट्र बनाने का है, जहां उनके साथ चलने वाले सभी लोगों का स्वागत किया जाएगा। और पीडीपी प्रमुख ने यह भी कहा है कि लोगों के उदास चेहरे जम्मू कश्मीर के हालात बताते हैं और जहां हजारों युवाओं को जेल में डाल दिया गया है और डर का एक माहौल बना दिया गया है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के संभल में एक मंत्री से एक सभा में गांव के विकास को लेकर सवाल पूछने के बाद स्थानीय पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया गया। जी हां, उन पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मारपीट करने का आरोप लगाया गया है और पत्रकार का सवाल पूछने वाला वीडियो वायरल हो गया है। पहले जान लेते हैं कि वायरल वीडियो में क्या हो रहा है। इस वीडियो में पत्रकार को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि बुद्ध नगर में एक भी बारात नहीं है और ना ही यहां पर सरकारी शौचालय है। आपने कहा था कि मंदिर से लेकर इस रोड को पक्का कराऊंगा, अभी तक ये रास्ता कच्चा है और बाइक से क्या पैदल चलने वाले लोग परेशान हो जाते हैं। और आपने देवी मां के मंदिर की बाउंड्री का वादा भी किया था, आपने अभी तक उस पर भी कार्रवाई नहीं की है और आपके दफ्तर पर गांव के लोग गए, वहां भी सुनवाई नहीं हुई है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर खबर बता दें आपको गोंडा से है, जहां पर वन पर्यावरण जंतु उद्यान और जलवायु राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार एक दिवसीय दौरे पर है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि मंत्री ने जिले में बार एसोसिएशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मूर्ति पर माल्यार्पण किया है और वृक्षारोपण भी किया है। और मंत्री डॉक्टर प्रमुख आपको बता दें इसको लेकर अरुण कुमार को जिलाध्यक्ष महाराज श्रीवास्तव सहित पदाधिकारियों ने माल्यार्पण कर अंग वस्त्र से स्वागत किया गया। पंचायत लगाने वालों कौन मना कर रहा है, पहले भी उन्होंने बहुत पंचायतें लगाई हैं और जनता हमारे साथ है, पंचायतें हमारे साथ हैं, जनता मोदी योगी के साथ है, डबल इंजन की सरकार के साथ है, लॉ एंड ऑर्डर पहले से बहुत बेहतर है, राशन मुफ्त दिया जा रहा है, हर घर को गैस दी गई है, हर घर को शौचालय दिया जा रहा है, गरीबों को छत दी जा रही है ताकि वो भी मकान में रह सकें, हर एक के घर गैस है आज, हर एक के घर बिजली है, शौचालय है। तो हमारी सरकार ने सेवा की है, हम जनसेवा के दम पे आगे आ रहे हैं और जनता मोदी योगी के साथ। तो गोंडा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर वन पर्यावरण जंतु उद्यान और जलवायु राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार का एक दिवसीय दौरा रहा है। मंत्री ने जिले में एसोसिएशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मूर्ति पर माल्यार्पण किया और वृक्षारोपण भी किया है। मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार को जिला अध्यक्ष महाराज श्रीवास्तव सहित पदाधिकारियों ने माल्यार्पण और अंग वस्त्र से इनका स्वागत किया गया। बुलंदखंड के महोबा में आयोजित भव्य कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बुलंदखंड को 3500 करोड़ की 9 परियोजनाओं की सौगात दी है और इसमें उन्होंने 7 परियोजनाओं का शिलान्यास जबकि किया है और बता दें आपको 2 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। महोबा के ही मोदी ग्राउंड में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में गडकरी के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा सहित बुलंदखंड के ही झांसी और बांदा महोबा सांसद मौजूद रहे हैं। और केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि 2024 समापन होने से पहले यहां पर उत्तर प्रदेश की सारी सड़कें अमेरिका के बराबर होंगी।
झांसी सिपरी बाजार में मौजूद शहर के ही सुप्राचीन लहर की देवी के मंदिर की कई एकड़ जमीन पर दबंगों द्वारा कब्जा किए जाने का मामला सामने आया है और इस कब्जे को हटवाने के लिए ही मंदिर के महंत द्वारा पिछले 5 सालों से जिला प्रशासन के चक्कर लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब तक ना तो दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है और ना ही कब्जा हटाने की दिशा में कोई पहल की गई है। कई एकड़ में फैली मंदिर की इस जमीन पर क्षेत्र के दबंगों राकेश उर्फ पप्पू यादव और सुरेश यादव द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर कब्जा कर लिया गया है। वहीं महंत को दबंगों द्वारा लगातार जान से मारने की भी धमकी दी जा रही है। श्री महंत मोहनगिरी, श्री पंजाम बिना खाड़ा का, मैं अभी वर्तमान में श्री महंत हूँ। क्या महंत का मामला? पूरा मामला है कि माई की जमीन है 12-13 एकड़, तो कुछ ज़मीन है काशीराम पार्क के बगल में और कुछ ज़मीन है ब्रह्मनगर के बगल में, तो इसमें यादव लोग दबंग लोगों ने कब्जा कर लिया है, रोड डाल लिया है, जाते हैं तो मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। पत्थर गड्डी नहीं होने दी, पत्थर उखाड़ के फेंक दिए सुरेश यादव के लड़कों ने, और सुरेश यादव तो एक्सपायर हो गया, अब उनके लड़के जो है कोई काम भी नहीं करने देते, कहते मेरी ज़मीन है यहाँ, मेरी ज़मीन है। इधर जो है काशीराम पार्क के बगल में लक्ष्मी यादव का लड़का सुरेश यादव, क्या नाम उसका, विनोद यादव, तो वो कब्जा करे, वो हटा नहीं रहा क्रेशर को, लक्ष्मी यादव तो मर गए, एक्सपायर हो गए। तो झांसी से आपको खबर बता रहे हैं, बता दें सिपरी बाजार में मौजूद शहर के ही सुप्राचीन लहर की देवी मंदिर के कई एकड़ जमीन पर दबंगों द्वारा कब्जा किए जाने का मामला सामने आया है और इस कब्जे को हटवाने के लिए ही मंदिर के महंत द्वारा पिछले 5 सालों से जिला प्रशासन के चक्कर लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब तक ना तो दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है और ना ही कब्जा हटाने के लिए दिशा निर्देश की पहल की गई है। कई एकड़ में फैली मंदिर की इस जमीन पर क्षेत्र के दबंगों राकेश उर्फ पप्पू यादव और इसके साथ ही सुरेश यादव द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर कब्जा कर लिया गया है। वहीं महंत को दबंगों द्वारा लगातार जान से मारने की भी धमकी दी जा रही है और इसके साथ ही आपको बता दें कि लगातार महंत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। व्यापार मंडल के स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में ही व्यापारी स्वाभिमान यात्रा को लेकर सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल महानगर इकाई के ही द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजन व्यापार भवन में किया गया है और प्रेस वार्ता में ही प्रदेश अध्यक्ष मुकुंद मिश्रा ने बताया कि यूपी में ही उद्योग व्यापार मंडल 50 साल पूरे होने पर व्यापार स्वाभिमान यात्रा निकालने का कर रहा है और सहारनपुर से ही व्यापारी स्वाभिमान यात्रा का आगाज होगा। यात्रा सहारनपुर से ही शुरू होकर कई जिलों से होते हुए लखनऊ पहुंचेगी और व्यापारी यहां पर स्वाभिमान यात्रा का संदेश छोटे बड़े व्यापारियों तक पहुंचाया जाएगा। 8 मई को लखनऊ में यात्रा का समापन होगा और यह यात्रा 58 दिन तक चलेगी। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यापारी मिलावट करता है या उनके साथ हम नहीं होते हैं और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि घटतौली और मिलावट को लेकर व्यापार मंडल दुर्विरोधी है और ऐसे करने वाले व्यापारियों के साथ हमारा संगठन नहीं खड़ा होगा। विषय में इस बार बात कर रही है, क्या कुछ कार्यक्रम? मैं मुकुंद मिश्रा, अध्यक्ष उद्योग व्यापार मंडल। आज 13 तारीख को व्यापार मंडल अपने 50 वर्ष पूरे कर रहा है। इस उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल अपने 58 दिन की यात्रा पूरे प्रदेश में करने का निर्णय लिया है, जिसकी शुरुआत आज हम सहारनपुर की धरती से कर रहे हैं और ये यात्रा हर जिले में एक दिन जाएगी और 8 मई का इसका समापन लखनऊ में होना निश्चित हुआ है। ये अनवरत यात्रा चलने वाली है और इस व्यापारी स्वाभिमान यात्रा के रूप में हम व्यापार मंडल के संदेश को लेकर के आम व्यापारी तक पहुंचने का कार्य करेंगे। एक सबसे बड़ी समस्या व्यापारियों की है, एक जनपद से दूसरे जनपद में माल भेजते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में, सरकार जो है ट्रिब्यूनल बना रही है अभी तक नहीं बना पाई, क्यों देरी हो रही है? नहीं, जीएसटी के एक राज्य से दूसरे राज्य जाने पे जीएसटी बनाने आने के बाद में ऐसी कोई पेमेंट नहीं करते दूसरे राज्य के, उसके लिए सरकार ट्रिब्यूनल बना रही है, उसके लिए ट्रिब्यूनल बना रही है।
तो प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष मुकुंद मिश्रा ने बताया है कि यूपी में ही उद्योग व्यापार मंडल 50 साल पूरे होने पर व्यापारी स्वाभिमान यात्रा निकालने जा रहा है और सहारनपुर से व्यापारी स्वाभिमान यात्रा का आगाज होगा और यात्रा सहारनपुर से शुरू होकर कई जिलों से होते हुए लखनऊ पहुंचेगी और व्यापारी स्वाभिमान यात्रा का संदेश छोटे बड़े व्यापारियों तक पहुँचाया जाएगा। 8 मई को लखनऊ में यात्रा का समापन होगा और ये यात्रा 58 दिन तक चलेगी। उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि कोई भी व्यापारी मिलावट करता है उनके हम साथ नहीं है और घटतौली और मिलावट को लेकर व्यापार मंडल धुर विरोधी है। ऐसे करने वाले व्यापारियों के साथ हमारा संगठन नहीं खड़ा होगा। बदायूं में झोला छाप डॉक्टरों ने हद कर दी है। बता दें, महिला की डिलीवरी लापरवाही के चलते नवजात शिशु की मौत हो गई है और डॉक्टर और अस्पताल का स्टाफ मौके से फरार हो चुका है। दरअसल ये पूरा मामला बदायूं जिले के ही तहसील और कशवा बिसोली का है, जहां पर मौजूद वाक्य विहारी हॉस्पिटल में आई महिला का शिशु की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई है और जिससे आपको बता दें कि अस्पताल का पूरा स्टाफ अस्पताल छोड़कर भाग गया है और सूचना पर पुलिस फोर्स और इसके साथ ही SDM ज्योति शर्मा पहुंच गई है और उन्होंने जांच पड़ताल करने के बाद अस्पताल के अन्य मरीजों को भी एम्बुलेंस द्वारा सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है। हालांकि बिसोली क्षेत्र में झोला छाप डॉक्टरों की बाढ़ सी आ गई है और पिछले महीने में लगभग 10 झोला छाप डॉक्टरों पर नोटिस भी जारी किए गए थे और इसमें से एक वाक्य विहारी हॉस्पिटल भी शामिल है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की ही शॉर्टगार्ड के कारण ही किसी भी कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती में लगातार सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और पिछले एक हफ्ते में दर्जन भर लोग सड़क हादसे का शिकार हुए हैं और इसमें से कुछ की मौत भी हो गई है, कुछ लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। और वहीं कल देर शाम बाइक सवार दंपत्ति को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी और जिससे पत्नी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है और पति गंभीर रूप से घायल हो गया है जिसका उपचार किया जा रहा है। और वहीं महिला की मौत होने से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, सभी परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो श्रावस्ती से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर पत्नी की मौके पर ही मौत हो चुकी है, ऐसी जानकारी सामने आई है सड़क हादसे में और पति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। ये भी जानकारी सामने आई है कि अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दंपत्ति को जोरदार टक्कर मारी थी जिसके बाद ये बड़ा हादसा हो गया। पिछले एक हफ्ते में ही दर्जन भर लोग सड़क हादसे का शिकार होते जा रहे हैं जिसमें कुछ की मौत का मामला भी सामने आया है, वहीं कई लोग अभी भी घायल हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। और इसके साथ ही एक जो घटना है, कल देर शाम बाइक सवार दंपति को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मारी थी, ऐसी घटना सामने आई थी जिसमें पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई थी और पति गंभीर रूप से घायल है। ओम प्रकाश राजभर ने उपस्थित जन समूह में कहा कि आप देख लेना, आज एटा में कहकर जा रहा हूं और लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को पीछे करके रहूंगा, इनको पीछे करूंगा। और 2027 में इनको बहुत घमंड है, अखिलेश यादव जी को इनका घमंड चकनाचूर होगा, रावण का भी घमंड चकनाचूर हुआ है और अखिलेश जी तेरा भी घमंड 2027 में चकनाचूर होगा, ऐसा उन्होंने बयान दिया है। और देख लेना, जो किया है अन्याय उसको लेकर पिछड़ों के साथ धोखा किया है, उसकी सजा कोई दे या ना दे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर तैयार कर रहा है। और बलिया से लेकर बांदा तक, आजमगढ़ से लेकर आगरा तक, हम आपको कहीं खड़ा नहीं होने दूंगा और आपके सामने खड़ा होकर बाजा बजाऊंगा मैनपुरी में, आप घबराओगे नहीं, और आ रहा हूं मैनपुरी, और मैनपुरी में ही आपको न्योता दूंगा, दिखलाऊंगा कि हाथ उठवा कर दिखाऊंगा कि देखो ये है बंजारा आया है, ये कश्यप आया है, ये पाल आया है, ये बघेल है, ये निषाद है, ये बिंद आया है, और एक एक जाति का हाथ उठवा कर गिनवा दूंगा और कहूंगा कि आपने हिस्सा नहीं दिया, इसलिए हिस्सा लेने के लिए अपना घर द्वार छोड़कर ये निकल पड़े हैं, और इस बात का एहसास कराऊंगा। और उस दिन जब हम मैनपुरी में खड़े होंगे, साथ ही आप चिंता मत करो, चिंतन करो, इसी नाते हम आए हैं। तो एटा से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा हमला किया है। बड़ी संख्या में बंजारा समाज के लोग होते हैं, आज भी इनके जो जहां ये बसे हैं इनको डेरा के नाम से लोग जानते हैं, इनके डेरा को गांव सभा घोषित नहीं हो पा रहा है,
ना ये बेचारे जिला पंचायत बन पाते हैं, ना प्रमुख बन पाते हैं, ना MLA आज तक 75 साल में हुए, ना शिक्षा मिल पा रही है, ना स्वास्थ्य के विषय में अच्छी है, ना जानकारी इनको रोजगार मिल पा रहा है, ना नौकरी मिल पा रही है। इन तमाम बिंदुओं को लेकर के ये बराबर हम लोगों से मिलते रहते हैं। पूरे प्रदेश में आप अगर जाएंगे सिद्धार्थनगर से लेकर के आप सहारनपुर चले जाइए, इसे पूरी बेल्ट है इनकी, आप उसे झांसी बांदा चित्रकूट हमीरपुर बुंदेलखंड में इनकी एक बेल्ट है, इसी तरह बनारस से शुरू करिए, चंदौली से चले आइए इलाहाबाद होते हुए झांसी तक, पूरे प्रदेश में ये पाए जाते हैं, इनकी बड़ी उपेक्षा हो रही है। तो ये सब लोग जब वोट लेना होता है तो नेता लोग तो इनको याद आते हैं कि भाई बंजारा का वोट चाहिए, कश्यप का चाहिए, पाल बघेल का चाहिए। तो एटा से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर जमकर हमला किया गया है। बता दें आपको कि ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर हमला बोला है। खबर गाजीपुर से है जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों युगलों का विवाह हुआ। शहर के नवीन स्टेडियम में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में ही 267 युगलों का विवाह संपन्न हुआ है, जिसमें 4 मुस्लिम जोड़े भी शामिल रहे हैं और इस दौरान ही योजना के लाभार्थियों में खासा उत्साह नजर आया है। योजना के तहत पूरे विधि विधान से लाभार्थियों की शादी संपन्न कराई गई है। कार्यक्रम के दौरान ही तमाम प्रशासनिक अफसर भी मौजूद रहे हैं। तो गाजीपुर से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कार्यक्रम किया गया और इस विवाह कार्यक्रम में कई जोड़ों की शादी करवाई गई है और इसके साथ ही सामूहिक विवाह योजना के तहत कार्यक्रम किया गया था, काफी लोग इसमें शामिल हुए हैं। स्टेडियम में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन हुआ और कार्यक्रम में 267 युगलों का विवाह संपन्न कराया गया है। कल्याणकारी योजनाओं में से ये एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है सामूहिक विवाह कार्यक्रम, जिसमें ज्यादा से ज्यादा हम लोगों की कोशिश रहती है कि बच्चियों के हाथ पीले हो सके और उनके पिता के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर से जो बोझ कहे जाते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा, ये बोझ कम किए जाते हैं, उन्हें अच्छी खासी राशि मिलती है और यहाँ पे अधिकारियों द्वारा व्यवस्था की जाती है, बहुत ही अच्छे से उनका विवाह संपन्न होता है। मैडम, आपने मंच से कहा कि ये सभी बेटियां मुख्यमंत्री की बेटियां हैं, इस तरह की ये कहने का मतलब उद्देश्य क्या रहा? उद्देश्य बिल्कुल साफ है, क्योंकि आजकल आप लोग देखते हैं कि आज शादी होती है और दो दिन के बाद दहेज को लेके हमारी बेटियां किसी FIR पुलिस के पास उसमें होती है कि FIR दर्ज करो, वो आग में झुलसी होती है दहेज को लेके। तो मेरा साफ साफ कहना है अगर ऐसी कुछ आते हैं आगे चल के इनके भविष्य में कोई तकलीफें आते हैं तो मैं मुख्यमंत्री जी, क्योंकि इनकी शादियां वो करवा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।